हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे विजन इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स के अंदर विजन कैसा होता है, वो कैसे उनको कैसे दिखाई देता है, तो आज हमें यही पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी में अभी यूजी कोर्सेज कर रहे हैं या पीजी कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजन इन आर्थ्रोपोड्स। सबसे पहले हम थोड़ा आर्थ्रोपोड्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स पोसेस वेरियस काइंड्स ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर सेंसिटिव टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुला। सबसे पहले हम देखेंगे एक चीज इसमें, वो देखेंगे कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कीमोरिसेप्टर्स। जो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटिव टू केमिकल्स, केमिकल्स को किस तरह से देखना पता चलता है उनको कि हाँ ये केमिकल्स हैं, तो कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि हाँ जी ये केमिकल है। मैकेनोरिसेप्टर जो हैं मूवमेंट को देखते हैं कि मूवमेंट जो है उनको मैकेनोरिसेप्टर देखते हैं। टैक्टोरिसेप्टर क्या होते हैं? सेंसिटिव टू टच, ठीक है ना, टच के बारे में जो बताएं उसको हम बोलते हैं टैक्टोरिसेप्टर्स। ओल्फैक्टर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्मेल। ऑडियो रिसेप्टर क्या होते हैं? साउंड, और सेंसिटिव टू साउंड। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंसिटिव टू लाइट। तो हमने देखा कि आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी है उसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स के क्या है रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। विजन जो कि हमारा टॉपिक है, विजन क्या है? विजन इज अबाउट हाउ इंडिविजुअल सी, किस तरह से कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो, चाहे इनवर्टिब्रेट्स हो, हाउ टू सी, किस तरह से हम देखते हैं उसको हम कहते हैं विजन। तो आर्थ्रोपोड्स के हम देखें थ्री बेसिक काइंड्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स इन आर्थ्रोपोड्स। उसके जो आर्थ्रोपोड्स हैं उसके अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले डोर्सल ओसिली, दूसरा स्टिमेटा, तीसरा कंपाउंड आइज। ये तीन जो हैं ये बेसिक जो फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ठीक, डोर्सल ओसिलाई, स्टिमेटा, कंपाउंड आइज, ये तीन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें पूरे विजन जो आर्थ्रोपोड्स विजन इन आर्थ्रोपोड्स है जो हमें ये समझाते हैं कि हाँ जी जो आर्थ्रोपोड्स हैं उसके अंदर विजन ऐसा होता है। ठीक, देखो जी, सबसे पहले हम देखेंगे डोर्सल ओसिले। डोर्सल ओसिले ये आप देख रहे हैं, ये वाले, ये आप देखो स्ट्रक्चर देखो, ये इसके बिल्कुल ये आगे कंपाउंड आइज हैं। कंपाउंड आइज के पीछे जो आप देख रहे हैं ये ओसिली है, ये ठीक है ना। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम किसकी है? ये हनी बी की डायग्राम है, जहाँ पे आप डोर्सल ओसिली आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये काइंड ऑफ फोटो रिसेप्टर्स है जो कि विजन इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देखिए जी, डोर्सल ओसिलाई क्या होता है? सिंपल आईज विद सिंगल लेंस फॉर कलेक्टिंग एंड फोकसिंग लाइट। बिल्कुल सिंपल आईज होती है जिसके अंदर सिंगल लेंस होते हैं प्रेजेंट, और ये लाइट को फोकस करना, कलेक्ट करना इनका काम होता है। फाउंड इन एडल्ट इंसेक्ट्स एंड द लार्वा ऑफ हिमी मेटाबोलस इंसेक्ट। ये कहाँ पे होते हैं? बहुत सारे इंसेक्ट्स, एडल्ट इंसेक्ट्स के अंदर, और जो हिमी मेटाबोलस इंसेक्ट है उसके लार्वा के अंदर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है हेमी मेटाबोलस, ये वो होता है, वो इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट। जिस तरह आपके एग्जांपल आपके पास है हेमी, जो हेमी मेटाबोलस के आते हैं, कॉकरोच है, क्रिकेट है, ग्रास हॉपर है, इनके अंदर क्या होती है जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। मोस्टली फाउंड ऑन द डोर्सल और फ्रंट सरफेस ऑफ द हेड। कुछ डोर्सल साइड में होते हैं, कुछ फ्रंट साइड में। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो बी है हॉनी बी के ये पीछे है, और सिली सिंगल लेंस होते हैं ना ये पीछे, बिल्कुल कंपाउंड आईज की पिछली साइड में इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, है ना, ये ब्रेन है, ब्रेन की पीछे ऊपर ओसिलाई है, ठीक है ना।
appear clustered in a triangular pattern on the head between the compound eyes in the winged adult of most orders in the larva of Hemipetabola. तो यहाँ से ही पता चलता है कि ये क्लस्टर होते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न के होते हैं. आप देखो यहाँ भी ट्रायंगुलर पैटर्न है, यहाँ ट्रायंगल, इस तरह की ट्रायंगुलर पैटर्न है. यहाँ देखो यहाँ भी ट्रायंगुलर पैटर्न है. तो इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर ये पाई जाती है, और लार्वा जो है हेमीपेटाबोला का उसके अंदर तो ये होती होते हैं. उसके बाद है स्टिमेटा. एस्टिमेटा क्या होता है? ओनली द विजुअल ऑर्गन्स ऑफ लार्वा होलो मेटाबॉलस इंसेक्ट्स जो हैं, जिस तरह कैटरपिलर आते हैं, सर्टेन एडल्ट्स सच एज स्प्रिंग टेल्स है, सिल्वर फिश है, फ्लीज है, स्टाइलोप्स है, इनके अंदर ये स्टिमेटा जो है ये प्रेजेंट होता है. कौन? स्टिमेटा. और प्रेजेंट इन द लैटरल रीजन ऑफ द हेड, और ये लैटरल रीजन हेड की ये प्रेजेंट होते हैं. पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ. पहले नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to 6 ऑन ई साइड ऑफ द हेड. इसका जो नंबर है ये वेरी करता है 1 से 6 तक लेके. तो देखते हैं इसका जो डायग्राम है, ये देखिए, ये है स्टीमेटा, ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना. स्टीमेटा बेस ए क्यूटिकल कॉर्नियल लेंस एबो ए क्रिस्टलिन कोन्स. ये क्रिस्टलिन कोन्स के साथ ही में जाके ये बनाते हैं. यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिखा है जो स्टीमेटा है सिंपल आइज ऑफ लार्वा होती है, सिंपल लाइट होती है, डार्क सेंसर्स होते हैं, मूवमेंट प्रोबेबली नो इमेज, लो एक्यूटी. ओसिली क्या होते हैं? सिंपल आइज ऑफ एडल्ट्स, नेम्स सिंपल लाइट, डार्क सेंसर्स, नॉट होमोलॉगस विद स्टीमेटा. तो ये आप देखिए पहले, ये लोब है, ये फ्रॉन्स है, ये स्लेपस है, स्टीमेटा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना. तो ये मैंने कहा था कि लैटरल रीजन जो होता है उसके हेड का वहां पे होता है. कहाँ, किस किस के अंदर होता है? ये एडल्ट, जिस तरह स्टाइलोप्स एडल्ट है, फ्लीज है, सिल्वर फिश है, इनके अंदर ये पाए जाते हैं. तो जो स्टीमा बेयर है ये क्यूटिकल कॉर्नियल लेंस एबो क्रिस्टलिन कोन, ए पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रिटोनल सेल्स इज स्पेशलाइज्ड एज ए राइबोमेयर दैट कंटेन्स द विजुअल पिगमेंट. अब क्या होता है, इनके अंदर एक सेल्स प्रेजेंट होता है, सेल्स का नाम है रेटिनुलर सेल्स. उनके अंदर राइबोमेयर जो होते हैं वो एक पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है इनका जो विजुअल है वो दिखाई देता है. उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कंपाउंड आइज, ठीक है. मेजॉरिटी जो आर्थ्रोपोड्स की है उसके अंदर एक पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होती है. कंपाउंड आइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछी जा सकती है, और विजन के अंदर ये चीजें तीनों पढ़नी है, स्टिमेटा से लेकर डोर्सल ओसिलाई से लेकर कंपाउंड आइज तक, जो भी तीनों है तीनों का हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो कम्प्लीट हो सकता है. ए कंपाउंड आइज कंसिस्ट ऑफ नोमिरस टिनी इंडिपेंडेंट फोटो रिसेप्शन यूनिट्स कॉल्ड ओमेटिडिया. जो है ओमेटिडिया जो कंपाउंड आइज के अंदर पाए जाते हैं, ये फोटो रिसेप्शन यूनिट है, ठीक. आइज कवर्ड विद ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल फॉर्मिंग कॉर्निया व्हिच इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ हेक्सागोनल स्क्वेयरिश कॉर्नियल फेसेट्स. वन ओमेटिडिया लाइज बिलो ईच फेसेट. ऑल ओमेटिडिया आर रेडिली. देखिए जो कंपाउंड आइज है, कंपाउंड आइज के अंदर ओमिटिडियास प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेक्सागोनल जो या स्क्वेयरिश कॉर्नियल फेसेट्स पे डिवाइड होते हैं. हम आपको दिखाएंगे, देखो आप आगे हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में. जो सबसे पहले हम देखेंगे ओमेटिडियम क्या होता है. ओमेटिडियम जो है ये इसके अंदर सबसे पहले कॉर्निया होता है, जो कि फंक्शन एज बाइकॉन्वेक्स लेंस. ये जो कॉर्निया होता है स्पेशल एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड कॉर्निजन सेल्स, हेक्सागोनल शेप होती है. उसके बाद क्रिस्टलिन कोन आते हैं. ये किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आपको आगे मैं दिखाऊंगा भी. सिंपल सेल्स प्रोड्यूस सेकंड लेंस द क्रिस्टलिन कोन सराउंडेड बाय 4 to 6 इलॉन्गेटेड कोन सेल्स कॉल्ड विटिलिया. फोटो रिसेप्टर यूनिट क्या बोलते हैं? कौन सा इसके अंदर? रेबडोम. देखिए नेक्स्ट, और जो रेटिनुलर सेल्स हैं 7 to 8 लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है वो बेसल लैमिना है. पिगमेंट सेल्स कौन से हैं? ये पिगमेंट जो सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट इन द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द ओमेटिडियम. ये देखिए आप, ये एक कंपाउंड आई है. कंपाउंड आई जो है ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर फैसेट्स, ये छोटे छोटे गोल गोल हैं, ये फैसेट्स होते हैं. फैसेट्स के अंदर आप देखें ओमेटिडियम है. ये ओमेटिडियम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना. ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ होती है? एक्सॉन्स हैं. ये जो पूरी एक ओमेटिडियम की जो पूरा स्ट्रक्चर है, लाइट गैदरिंग कहाँ? ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आप कंपाउंड आइज के अंदर आप देख रहे हैं. एक्सॉन
ये पूरा स्ट्रक्चर आपको जब हम बाहर देखते हैं इसको निकाल के अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर, यह ऐसा दिखाई देगा। लाइट गैदरिंग, लाइट डिटेक्टिंग, यहाँ से लाइट डिटेक्ट होती है, इस साइड से लाइट जो गैदर होती है। ये कॉर्नियल लेंस हैं ऊपर वाले जो होते हैं, ये कॉर्निजन सेल्स हैं बीच में, तो इमेज फॉर्मेशन इन कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज के अंदर इमेज किस तरह फॉर्म होती है? सबसे पहले है मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन जो है, मोज़ेक विजन क्या है? कंपाउंड आईज फॉर्म इमेज विद द हेल्प ऑफ इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम ओमेटिडिया। ओमेटिडिया से जो इमेज बनती है, जो इनपुट्स रिसीव होते हैं ओमेटिडिया से, ओमेटिडिया की हेल्प से जो कंपाउंड आईज में इमेज बनती है, तो उसके बाद क्या होता है, ईच ओमेटिडियम फॉर्म्स ए सेपरेट इमेज ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है, द इमेज फॉर्मेड कंसिस्ट ऑफ सेवरल पीसेस, दिस टाइप ऑफ विजन कॉल्ड मोज़ेक विजन। ठीक है, आपने देखा कंपाउंड आईज जो है ये इमेज बनाती है, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, कुछ इनपुट रिसीव होती है ओमेटिडिया से, और कोई भी ओमेटिडियम है, ईच ओमेटिडियम जो है ये सेपरेट इमेज एक स्मॉल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पे बनाती है, और जो इमेज है बहुत सी कंसिस्ट ऑफ सेवरल पीसेस, और इस पीसेस को हम क्या कहते हैं, मोज़ेक विजन। क्या बोलते हैं? मोज़ेक विजन। आप देखें मोज़ेक जो विजन है, इसमें अंदर जो कंपाउंड आईज ऑफ आर्थ्रोपोड्स है, ये टू डिफरेंट वेज पे काम करता है। सबसे पहले है एपोजिशन इमेज, दूसरा है सुपर पोजिशन इमेज। एपोजिशन इमेज क्या होती है, सुपर पोजिशन इमेज क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे एपोजिशन इमेज के बारे में। जो कंपाउंड आईज होती है वो एपोजिशन इमेज कहाँ पे बनाती है, जहां पे लाइट ब्राइट हो। ब्राइट लाइट के अंदर एपोजिशन जो इमेज है वो बनती है, और ब्राइट लाइट के अंदर जो प्रॉक्सिमल और डिस्टेंट पिगमेंट होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं, और वो स्क्रीन के ऊपर एक लाइट रेज को प्रिवेंट करते हैं, ताकि वो एक ओमिटिडियम से दूसरे ओमिटिडियम में पास ना हो। ठीक है, उसके बाद जो लाइट रेज हैं वो परपेंडिकुलर कॉर्निया के ऊपर एक इमेज बनाती हैं। ये है ए पोजीशन के बारे में। ठीक, नोट भी आप बना सकते हैं आराम से। ये देखो, ये सिंपल आई है, ये ए पोजीशन आई है। ये देखिए आप, जो ये स्ट्रक्चर है ये ए पोजीशन कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर है, ये सुपर पोजीशन कंपाउंड आई है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे सुपर पोजिशन इमेज किस तरह बनती है। जो सुपर पोजिशन इमेज बनती है वो डिम लाइट के अंदर बनती है, एपोजिशन जो इमेज होती है वो ब्राइट लाइट के अंदर बनती है। सुपर पोजिशन कहाँ बनती है, ये डिम लाइट के अंदर बनती है। डिम लाइट के अंदर क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पिगमेंट रिट्रैक्ट करते हैं, जो ओमिटिडिया है ये ऑप्टिकली आइसोलेट नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑब्लिक रेज होते हैं वो परपेंडिकुलर फॉल करते हैं कॉर्निया के ऊपर, और वहां पे जाके एक इमेज बनाते हैं। देखिए डिफरेंस, देखिए डिफरेंस हमें देखना बहुत जरूरी है। डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए पोजिशन आई एंड सुपर पोजिशन आई। लाइट इंटेंसिटी की बात करें, ए पोजिशन आई के अंदर जो है ये स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, और सुपर पोजिशन के अंदर स्टिमुलेटेड बाई लो इंटेंसिटी। ओके, स्क्रीनिंग पिगमेंट जो है ये वेल डेवलप होते हैं ए पोजिशन आई के अंदर, और सुपर पोजिशन के अंदर ये रिड्यूस्ड होते हैं। लेंथ जो है क्रिस्टलिन कोन की ये इक्वल होती है फोकल लेंथ से, और जो सुपर पोजिशन की होती है वो थोड़ा लंबा होती है, लंबी होती है। ठीक है ना, रैबडोम जो है ये लंबे होते हैं, फुल लेंथ पे ये होते हैं, किसके, फोटो रिसेप्टर सेल्स के, और सुपर पोजिशन जो है ये शॉर्टर होती है, क्लियर जोन होती है। रेटिनोलर सेल्स जो हैं लॉन्ग एक्सटेंडिंग टिल द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना, ये क्या होते हैं, शॉर्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द बेस ऑफ ओमेटिडियम। लाइट रेज जो हैं इंटर थ्रू सिंगल ओमेटिडियम थ्रू एक्स्ट्रा रीजन, और जो सुपर पोजिशन के अंदर लाइट रेज क्या करती है, थ्रू सेवरल ओमेटिडिया थ्रू ऑल रीजंस। एग्जांपल क्या है, एपोजिशन आई की एग्जांपल क्या है, डायुर्नल स्पीशीज सच एज बटरफ्लाई, और सुपरपोजिशन आईज के अंदर जो नॉक्टर्नल स्पीशीज हैं, कॉकरोच, मॉथ्स ये वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा आज का जो टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग्स।
और जुड़ी रही है टीचिंग बायोलॉजी के साथ। अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बीएससी का, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हो, आप आराम से हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको इंशाल्लाह हर पल पल की जो न्यूज़ होगी वो ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।